हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका गोविंद। फिर से नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आ गए फिर से इलोरा की गुफा में। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है ये गुफा। देख सकते हो जो ये गुफा है कितनी अंदर अंधेरा है, और बाहर आप देख सकते हो तो कई मूर्तियाँ उपलब्ध है। तो ये काफ़ी साल पुराना गुफा है। यहाँ पे कैलाश मंदिर भी है जो प्राचीन समय में। तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे तो एक माहिती भी है जो गुफा की है, जो कई सारे लिखे हैं लाइन में। तो आप देख सकते हो, अब हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे मूर्तियाँ उपलब्ध थे। तो ये प्राचीन समय में ये बहुत रहस्यमय गुफा है, जो यहीं कई पुरातनकाल में यहीं कई इतिहास भी रचाया गया है, जो सांस्कृतिक वारसा भी हम उनको कह सकते हैं। तो अब हम जो वहाँ पे है, हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे में। तो यह जो आप देख सकते हो, कई जहाँ भी आप कैमरे की नज़र जाते हैं वहाँ पे मूर्तियाँ मूर्तियाँ ही है आप देख सकते हो ये गुफा में। तो हमें कई मूर्तियाँ ऐसी होती है हम पहचान नहीं पाते। तो अब हम जो आप देख सकते हो मूर्तियाँ, किस मूर्ति का नाम नहीं, कैसी मूर्ति है, किसकी है, ओम तो पता नहीं, क्योंकि ये पत्थर में से एक कोतर के बनाया गया। जो ऊपर पहाड़ था वो पहाड़ में से ये मंदिर टेम्पल गुफा सब बनाया गया है वो प्राचीन समय में। अब तो ये ऐसी कुछ भी नहीं बना सकते, क्योंकि पहले का यही रहस्य है जो पत्थर में से एक कोतर के बनाया जाता था और प्राचीन सालों साल तक ये उपलब्ध रहता था। तो आप देख सकते हो कि वो गुफा में जो कि कितना अंधेरा भी होता है, कैसे कैसे थंबे हैं, कैसे पत्थर में से कोतर के बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं जो बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम दो लोग यहाँ पे आए थे जो हम शूटिंग करने, तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे हमको घूमने का। यहाँ पे हम बाहर घूमे, अंदर घूमे, बहुत घूमे, जो 2 दिन रुके थे। अब हम आप देख सकते हो ये जो ये देखिए जारी लगा दिए यहाँ पे, और ये जहीं भी दीवार है यहाँ पे मूर्तियाँ ही सब है। यहाँ पे कई कई ऐसे जारी लगा दी जाती है, क्योंकि इसमें कोई पड़ेगा नहीं, गिरेगा नहीं, इसलिए सावधानी रखनी चाहिए हमको। कई थंभों, कई बहुत यहाँ पे पुरातन काल में। तो हमको यहाँ पे बहुत मज़ा आया। आप देख सकते हो जो फिर से जा रही जैसे वो लगा दिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे मंदिर हो वहाँ पे जाने का मन नहीं होती है, ऐसे भी होते हैं। तो अंदर अंधेरा भी होता तो अंदर फ्लैश लाइट करने जा करके और जाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे बहुत मज़ा आया, बहुत घूमे। कभी एक मेरा दोस्त था, उनको ऐसा लगता है कि चलो मैं घर चला जाऊँ, उनको यूं शूट करना नहीं अच्छा पसंद था। वो ऐसे ही थी इसमें, वो ये कह रहा था कि ये सब एक ही है, एक ही है, एक ही है। आप भी देख सकते हो जो सब एक जैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि ये एक नहीं है, क्योंकि ऐसे सारे टेम्पल है यहाँ पे एक जैसे आपको दिखाई देते हैं, ऐसा होता है। आप देख सकते हो तो कई मंदिर हमने देखे, कई गुफा देखे, तो खंडित समय खंडित स्थल में थी। उनको भी हमें ऐसा लगता है उनको भी एक वारसा की नहीं, उसका भी ख्याल रखना चाहिए वारसे की तरह। तो वीडियो गमे तो लाइक से शेयर सब्सक्राइब आप करना, कमेंट में ज़रूर करना कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। सभी लोग देख के चले जाते हैं, लेकिन कमेंट में अपना नाम अपना शहर का नाम नहीं बताते। आप देख सकते हो जो कैसे कैसे स्तंभ है, उसमें कमरा जैसा लगता है, कि हमको लगता है कि ये शायद कमरे में रहते होंगे जो पहले के लोग। जो देख सकते कैसे कैसे होंगे, ऐसे लग रहे कि सब राज्य सभा जैसा लग रहा है, जो एक कोई
एक बैठा है और कई सारे खड़े हैं, ऐसा लग रहा है। तो अंदर भी ऐसा ही है, कई स्तंभों में लैंग्वेज जो लिपि में भी लिखा है वो हमको अभी तो पढ़ी नहीं जा सकती, कौन सी लिपि में वो लैंग्वेज, कौन सी लिपि में ऐसे, तो आप देख सकते हो। तो ये भगवान की ही मूर्ति होंगी जो ऐसे भगवान की तरह कर रहे हैं। ये भाई लोग देख रहे हैं कि ये क्या होगा, इसलिए वो सब देख रहे हैं। बाहर बाहर से लोग सभी यहाँ पे आते हैं, आप भी आओ कभी कभी, तो आप सभी देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। जो गुजरात से थोड़े दूर है, जो यहाँ पे फिर से मैं बोर्ड पे आ गई और फिर मैं आपको ये सब कुछ दिखाऊंगा। जो ये आप देख रहे हो सामने, वो आग होती है तो उनको बुझाने के लिए ये होता है। तो अब हम अंदर जाए। ओ माय गॉड यार, ये देख रहे हो कैसा ये हो रहा है, यहाँ पे लोग कैसे कैसे रहेंगे, रहते होंगे, कैसी बहुत बड़ी है, गुफा जैसा लग रहा है और थंबो भी लग रहे हैं। तो यार सच में बहुत मज़ा आया हमको। तो फिर से हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, देखिए कैसे, बहुत मज़ा आया हमको। आप भी आओ कहीं पे, जो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, जो बड़े बड़े पत्थर में कैसे कैसे स्तंभ है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये अभी नहीं, ये काफ़ी सालों से काफ़ी पुराने हैं। ये बंगला, बंगला जैसा लग रहा है, आप देख सकते हो। इस बंगले को ऐसे ही कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये पत्थर में से कोतर के बनाया गया है। तो पहले मूर्तिकार को आप क्या कहना चाहोगी कि यार एक पत्थर में से कोतर के बनाया जाता है। आप देख सकते हो अभी भी मंदिर होते हैं जो पत्थर में से कोतर के बनाया जाता है। ऐसे ही को प्राचीन समय में ये कारीगरी हुई, उनको सलाम करनी चाहिए हमको कि कैसे कैसे पत्थर में से कोतर के बनाया जाता है। आप देख सकते हो कहीं सारे टेम्पल में बहुत अंधेरा होता है, लेकिन दिखता तो सब कुछ है, लेकिन कैमरे में आपको अंधेरा ही नज़र आता है, क्योंकि हमको सब कुछ दिखता है। अब हम बाहर का दृश्य दिखाएंगे। बाहर का दृश्य आप देख सकते हो, जो ये सब लोग दूर दूर से आते हैं, जो कैसे ये सब दूर से आते हैं, आप देख सकते हो। बहुत हमको मज़ा आया, जो कैसा महल जैसा लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि पुरातन काल में महल ही होगा, ऐसा लगता है। ये इलोरा की संस्था की गुफा है, जो बाहर आप देख रहे हो, वहाँ पे बाहर आप देखोगे तो जंगल ही जंगल नजर आएगा। जो कैसे कैसे दिख रहा है, दरवाजा जैसा, मतलब ऐसे स्तंभ ही ऐसे है, जो उसमें भी कोतर के बनाया गया है, उसमें भी कला दी गई है कोतर के, जो हमको, हमारा कभी ऐसा ऐसा लगता है कि ये ऐसी कोई, अभी तो वैज्ञानिक से सब हो रहा है, टेक्निकल से। तो पहले तो ये सब नहीं थी टेक्निकल, कोई वैज्ञानिक नहीं था, तो ये किससे करते होंगे साधन। तो हमारे मन में भी कई ऐसे सारे सवाल होते हैं, लेकिन हम क्या करें कि हमको तो ये पता ही नहीं कि ये पुरातन काल में टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो ये कैसे ये सब बना लेते थे। कई सारे ऐसे मंदिर होंगे जो एक पत्थर में से कोतर के बनाया जाता है। जो आप प्राचीन समय काल की बात करोगे तो ये सब कुछ ऐसे ही होते हैं। तो यही हमारे ये सांस्कृतिक वारसा में मिलाया जाता है, जो काफ़ी सारे, हम जब छोटे छोटे थे तो बचपन में पढ़ाई करते थे, तो आठवें धोरण में हमको ये सब सिखाया जाता था कि इलोरा की गुफा है, अंजता की गुफा है, वहाँ पे कैलाश मंदिर है, वो कई स्तंभों में, कई ऐसे प्राचीन समय थे, वो सामाजिक में सब कुछ आता था। आपको यकीन नहीं होगा तो मैं आपको कह दूँ, वो सब सोपड़ी में आता था हमको पढ़ाई में। तो बहुत मज़ा आता है ऐसे पढ़ने में, और काफ़ी सारे प्राचीन काल में, और हमारे चैनल में ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि
सब्सक्राइबर करना और लाइक शेयर सब्सक्राइबर करना मत भूलना। तो आप देख सकते हो सलामुअलैकुम। स्तंभ है, स्तंभ है। हाँ, ये बाहर का दृश्य है। और जो अब मैं पूरा का पूरा दिखाऊंगा, जो ऐसे होती है, ऊपर से पहाड़ है और नीचे से कोतर के बनाएंगे, जो आप देख सकते हो। अभी आपको मालूम होगा कि आप मेरा विश्वास नहीं करते थे ना, इसलिए मैंने आपको बाहर से दिखाया आपको। आप देख सकते हो, देखिए ये यहाँ पे एरा मारा गया है कि यहाँ रास्ता जाता है, ये यहाँ रास्ता जाता है, इसलिए हमको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए तो हमको बहुत बहुत मज़ा आया। आप भी कभी आओ जो गुजरात से थोड़े ही दूर है। और बहुत मज़ा आया हमको, जो काफ़ी सारे मूर्तियाँ मिली, काफ़ी सारे मंदिर में हम घूमे, बाहर घूमे, और हमको बहुत मज़ा आया। और पूरा का पूरा हमने शूट करके आपको बता दिया, क्योंकि हमारे भी चैनल में ऐसे वीडियो आते रहेंगे और ऐसे ही चैनल है, इसलिए हम ऐसे वीडियो आपको बताते रहेंगे। तो आप देख सकते हो फिर से, जो आप यहाँ पे मूर्ति होंगी, शायद कोई भगवान होंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता।